गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मो फ्यूजन और मैं हूँ राजश्री। आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पे सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मीशो ज्वेलरी सेट। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आपके साथ एक ज्वेलरी सेट है मैंने मीशो से लिया है, तो मैं उसका रिव्यू फुल आपके साथ शेयर करूंगी और कम्प्लीट आपको बताऊंगी कि इन्फॉर्मेशन उसके बारे में शेयर करूंगी कि आपको वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैंने मीशो के कुछ जो एयरिंग्स थे वो मैंने लिए थे, तो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे थे और उनका जो रिव्यू है मैंने आपके साथ शेयर किया है शॉर्ट वीडियो में भी, और उसकी जो लॉन्ग वीडियो वो भी बनाई थी मैंने, तो आपने काफी ज्यादा उसको पसंद भी किया था और आपको उसको देख के पता चल गया होगा कि आपको वो जो एयरिंग सेट था वो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और जो आज की इस वीडियो में मैं जो ज्वेलरी सेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो एक्चुअली क्या था कि मैंने दो सेट मंगवाए थे लेकिन एक अब मुझे पहुंचा नहीं है, एक मुझे पहुंच गया था बट मैं उसको रिटर्न करवाने वाली हूँ। क्यों रिटर्न करवाने वाली हूँ इसलिए फुल वीडियो को कंप्लीट देखना कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप सोच रही हैं लेने के लिए मीशो से तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, और आपको अगर लगे कोई और लेना चाहता है तो आप मेरी जो वीडियो है इसको आप शेयर कर सकते हैं कि उनको भी कंप्लीट पता चल जाए कि मीशो के जो ज्वेलरी सेट होते हैं वो लेने चाहिए होते कि नहीं लेने चाहिए होते। ठीक है, तो इस वीडियो को अब करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं, कि मैं हमेशा वीडियो में जैसे बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री है, कोई आपको पे नहीं करना है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो इसको प्लीज शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको प्लीज लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मुझे इस तरीके की पैकेजिंग में ये रिसीव हुआ था, ये ज्वेलरी सेट है। मैं फुल कंप्लीट बताऊंगी कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में बने रहें। तो उसके बाद ये मेरे को ना इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हुआ था ये ज्वेलरी सेट। तो मुझे एक्चुअली जो इसकी पैकेजिंग है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इस तरीके की पैकेजिंग होगी इसमें जो ज्वेलरी होती है वो टूटने का डर होता है। तो इसलिए मुझे इसकी पैकेजिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे तो ये पैकेजिंग अच्छी नहीं लगी। मैंने कुछ वीडियोस में और भी देखा था, उनको एक बॉक्स मिला था, लेकिन बॉक्स में आपको मिलेगा तो वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है लास्ट इंप्रेशन होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है मेरे ज्वेलरी सेट के साथ जो पैकेजिंग वाइज जो है वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो इसकी पैकेजिंग है ये वाली, इससे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है इसके अंदर, जैसे ज्वेलरी होगी वो कुछ भी चीजें हैं जो टूटने वाली होती है तो वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का मुझे मिला है। उसके बाद मुझे ये मिला इस तरीके की पैकेजिंग में। ठीक है, इस तरीके का मैंने एक सेट मंगवाया था, आपको साइड पे भी स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि ये किस तरीके का इन्होंने दिखाया था। तो एक्चुअली जो दिखाया था तो है तो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन कंफर्टेबल है नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी ना आगे आगे, इसलिए आप कंप्लीट देखें। उसमें क्या है, इसमें एक चोकर सेट है, इयररिंग्स है और एक मांग टीका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो इयररिंग्स हैं ये आपको इस तरीके के इयररिंग्स मिलेंगे। वैसे तो कैमरा में तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वैसे भी इसके मुझे थोड़े ठीक ही लगे, लेकिन इनके जो साइज है वहां पे बहुत ज्यादा दिखाया हुआ था कि ये बड़ा होगा, बट जो इसका साइज है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी फिंगर है और ये फिंगर के जितना भी नहीं आ रहा, मतलब गालू आपके आपको पता है नॉर्मल जितनी फिंगर्स होती हैं उसमें, मतलब कि ये जो साइज है ना इसका ये मुझे थोड़ा सा छोटा लगा। और आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे भी अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो सामने तो बिल्कुल भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन चलो ठीक है इतना ज्यादा हैवी नहीं है ये। तो इसके इयररिंग्स भी ठीक है, लेकिन मुझे जो लगा था कि इसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा वैसा नहीं है, बट इसकी क्वालिटी मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखो वायर दिखा रहे हैं, ये वायर सी है, तो इससे क्या रहा कि मुझे जो ये है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चुभ रहे हैं मुझे। तो इसीलिए इयररिंग्स तो मेरे को साइज वाइज तो चलो ठीक है नॉर्मल है, बट इनकी फिनिशिंग इतनी ज्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कि जो इसका मांग टिक्का है वो मुझे कैसा रिसीव हुआ, और प्राइस की मैं आपको बाद में बताऊंगी लास्ट में कि इसका प्राइस क्या था। उसके बाद इस तरीके का था, बट ये पीछे से इसकी जो फिनिशिंग है ये देखो आप, ये टूट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा कि
एक टाइम तो मैं पहन लूंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पहन लगूं कि अब ये टूट जाए, इससे बेटर है कि मैं इसको रिटर्न ही करवा दूं। तो वैसे तो सेम जितना इयररिंग्स का साइज है ना, ये उतना ही, ये बिल्कुल मतलब कि इयररिंग्स के साइज का ही है। और वैसे तो मांग टिक्का इतना बड़ा कुछ कुछ चीजों में ही अच्छा लगता है, लेकिन ये देख सकते हैं कि ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं है मांग टिक्का का, ठीक है, बट ये टूटा हुआ आपके सामने है, तो इसीलिए मुझे ये अच्छा इतना ज्यादा नहीं लगा। उसके बाद जो इसका नेकलेस है, ये आपको इस तरीके का मिलेगा। इसमें ना तीन चार कलर्स और हैं, जैसे आप देख रहे हो कि बीच में जो ये पिंक कलर में जो आपको ये स्टोन्स दिख रहे हैं, इसमें आपको ग्रीन कलर भी मिल जाएंगे और मल्टी कलर में भी मैंने देखे थे। और इसके नीचे बिल्कुल जो एक मोती का जो वर्क होता है ना, जो बिल्कुल नीचे वैसा ही है, ये मैं बिल्कुल जूम कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा इस तरीके का पैटर्न में मिलेगा। ये है गुलवंत, मतलब इसे गुलवंत टाइप का है, चोकर का जैसे बोल सकते हैं। तो ये मुझे, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसके साथ, तो इतना ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसकी फिनिशिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, ये आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको, वैसे तो ये कैमरा में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो लेकिन मुझे पर्सनली इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। और साइड पे भी आप देख सकते हैं, ये निकल जाएगा, ये देखो ये इसकी फिनिशिंग है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और थोड़ी देर के बाद ये निकल जाएगा सारा यहाँ से। और जब मैंने इसको पहना, मुझे पहनने के बाद जो साइड पे इसके थे, ये बिल्कुल मुझे यहाँ पे नेक पे चुभ रहे थे, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये इस ऐसे आएगा, ऐसे तो ये अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी फिनिशिंग नहीं है। मैं एक घंटा भी पहन नहीं पाऊँ तो ये काफी मुझे इतना ज्यादा वर्थ नहीं लगा, इसीलिए मैं इसको रिटर्न करवाना चाहती हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। अब देखती हूँ नेक्स्ट की जो मैंने और मंगवाया है वो कैसा आया है। मैं इसको रिटर्न करवा रही थी, इसलिए मैं सोचा कि आपके साथ इसका वीडियो शेयर कर लेती हूँ। उससे पहले बस यही जो एक सेट है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कि जो ये सेट है, जो इस तरीके का जो सोच रहे हैं लेना, तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते, आप इसको नहीं ले सकते हैं। उसका प्राइस क्या है, प्राइस था इसका 290 था शायद इसका प्राइस, तो ये मुझे 280 के आसपास मिला था। आई थिंक मैंने COD नहीं किया था, तो इसीलिए मुझे आई थिंक 280 के आसपास ये मिला था, लेकिन प्राइस के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। तो बस यही एक सेट था जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी रिटर्न करवाने से पहले। तो ये टूट गया हुआ आपके सामने है, कि बिल्कुल भी मुझे इसका फिनिशिंग और ये बिल्कुल भी चलेगा नहीं, एक बार मैं डाल सकती हूँ, अगली बार शायद ये टूट जाए, तो इसीलिए से बेटर है कि मैं इसको चेंज करवा के कोई और ले लूँ, तो इसीलिए मैं इसको रिटर्न करवाना चाहती हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो आज की ये हेल्पफुल लगी हो। तो ऐसा नहीं है कि इनके सारे ही जो सेट होंगे वो बेकार होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ जो मतलब पीस होते हैं ना उनमें डिफेक्ट आता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज को लाइक और शेयर जरूर कर देना, मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।